सुन, क्या है बे? मुझे क्या बोला? मुझे क्या पूछ रहे हो? इधर आओ। इसीलिए मैंने पूछा क्या है बे। मेरा नाम है थॉमस, ऐसा ही बुलाया करो। पता चल गया? थॉमस ऐसा ही बुलाया करो। बड़ा आया। अरे वाह, खाना खाने के लिए बुलाया तो रहमान, तुम तो किचन में घुस गए। अभी खाना नहीं बना है सर, सब इसी को करना है। तो उसमें परेशानी क्या है? मैंने उसी दिन बोला आपको कि बस स्टैंड से किसी को उठा के काम पे मत रखा करो। तुम मुझसे घुमा फिरा के बात मत किया करो। सर मैंने उसको सुन ऐसे बोला, अब उसको समझना चाहिए ना कि एक पुलिस वाली की सबसे अच्छी भाषा है ये। तो भी उसने बोला मुझे मेरे नाम से बुलाओ। उसने ऐसा बोला? हाँ सर, पूछ लो आप। थॉमस। हाँ, तुम्हारी उम्र क्या है? 16 साल। इनकी उम्र क्या जानते हो? नहीं पता। मैं 54 साल का हूँ। अगर उन्होंने कुछ बोला तो तुम उनसे ऐसे पूछोगे? जाके खाना निकालो। जाओ भी। क्या हुआ सर, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया? क्यों, आने का मन नहीं था क्या? आने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, यहाँ बुलाने की कोई खास वजह है क्या? हाँ, मैंने बोला था ना कि मुझे भाई को थोड़ा मस्त खाना खिलाते हैं। कहाँ? ट्रांसफर हो गया मेरा। इस बार भी हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। सर आप पहले चाहिए, ये आपका हवलदार वहां पहुंच जाएगा। उसके लिए क्या करना है मुझे पता है। आओ खाना खाते हैं। थॉमस, इसका मैं क्या करूं सोच रहा हूं। कब से खाना निकालने के लिए बोला है। थॉमस, ए थॉमस, थॉमस। सर खाने के बदले उसने हमारे लिए खत लिखा है। खत? सर मुझे यहाँ रुकने में तकलीफ है, मैं जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ अपना बैग लिया है, शुक्रिया। अय्यर भाई आखिर मिल ही गया। कुछ भी काम करने के लिए तैयार है वो, उसको सिर्फ आगे बढ़ना है। कुछ भी देने के लिए मैं तैयार हूँ, वो चिराग और परेश के हाथ से बचना है किसी भी तरह बस। ए, सुबह सुबह यहाँ बैठकर कुंडली पढ़ने से अच्छा है आके मेरी मदद करो। तुम लोगों के लिए डोसा बना बना के जिंदगी नहीं खत्म करनी? ऐसे कौन बोला? फिलहाल अभी तेरा काम ही है हमारे लिए डोसा बनाना। कुंडली के अनुसार डोसा जल रहा है। जलने दे उसको। वो है अपने घर, तू सीधा किचन में जाके चाय बना। हाँ, वहाँ किसी को ज्यादा भाव मत देना। तू कौन है? बच्चे तू क्या कर रहा है? जो भी करना है ठीक से कर। नहीं नहीं, मैं इस घर में आया हूँ, मैं ही करूँगा। मुझे बोला किसी से बात मत करो और चाय बनाओ। कौन? वो दूसरा सेट। दूसरा सेट? हाँ, ये रहा सेट। तुम दोनों यहाँ आओ। देखो एक बात बताता हूँ मैं, इस घर में आगे से मुझे शांति चाहिए। आज के बाद किचन के सारे काम वो देखेगा। और तुम दोनों प्लीज अपना मुंह खाने के अलावा खोलना मत, वहाँ बातचीत करने की जरूरत नहीं है कुछ। ये क्या बोल रहा है, हम सब निकम्मे हैं क्या? आखिर तुम सोच क्या रहे हो मेरे बारे में? वो फिजोर्डे ने अच्छा बोला है, तुम उसको लेके आओ, मतलब वो हमारी इज्जत नहीं करेगा। हाँ ये सही बात है, एक नए काम वाला आया तो सबको एक बार मिलाना जरूरी है। वही तो, कल अगर आप यहाँ पर आए और भले ही किसी काम से आए हो तो ये पूछेगा कि आप कौन है भिखारी। हाँ, तो फिर अभी मैं क्या करूँ? हमें अच्छे से उससे पहचान करवाओ। बैठो। हाँ सही है। सुनो तो, सुन आज से तेरे 3 सेठ लोग हैं। 3 नहीं 4। 3 सेठ और एक दादाजी। सबके साथ एक जैसे ही रहना, प्यार से इज्जत से रहना। नाम क्या तेरा? राम कुमार शर्मा। तूने उत्तर दिशा पूरी खरीद ली है क्या? वैसे भी तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, किसी आईएएस ऑफिसर का नाम लगता है। हाँ हम इसे राम बुलाते हैं, बुलाने पे अच्छा भी है और पुण्य भी मिलेगा। रामा। हाँ, रामा। तुम्हारी राशि कौन सी है? तुला। क्या है? उसको भेज दे। कौन कैसे? तुला राशि कभी कभी नष्ट होती है,
तुम मेरी बात ध्यान से सुनो समझे, इस राशि वाले हमेशा परेशान ही रहते हैं। तू अपना काम करना, कोई तकलीफ नहीं। मेरी बात सुन, तूने उसके कान देखे? बिल्कुल हाथी के जैसे हैं, मतलब कृति बोध विहीन। तेरे समझने के लिए बोलता हूँ, अ बिग फ्रॉड। वो मैं देख लूंगा। सब कुछ तुम ही देखोगे। अरे उसे अभी काम तो चालू करने दे। खाना कैसा है? अच्छा है। अच्छा नहीं है, केला सब ऐसे वैसे काट के जानवरों को चारा डालने जैसा क्या भाजी बनेगी? अरे उसको ऐसे मत बोल, वो सुधर जाएगा ना। मुझे पहले से अल्सर है, मुझे बीमार नहीं पड़ना। मुझको भी मेरे हालात देखने, मुझे किसी के ग्लास नहीं धोने, समझे ना। पहले काम वाला नहीं था तो तकलीफ थी, अब है फिर भी तकलीफ है। आया? ओ, वैसे मेरे लिए वेट करे ऐसा रिवाज तो नहीं है ना वहाँ पे। अच्छा तो खाने से पहले बाथरूम में पानी भर के रख देना, वो उतना भी खराब नहीं है। तुम उसके साथ क्यों ले रहे हो बताओ? तुम जाके बनाओगे क्या? तुम दोनों ऐसे मेरे सामने झगड़ कर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जो भी हो, एक महीना वो यहाँ रुकेगा, उसके हिसाब से मैं उसे सब सिखा दूंगा। अच्छा तो उसको सिखाने का फैसला कर लिया? कर दिया। तो फिर वो कहाँ पर सोएगा? वो यही कहीं सो जाएगा। वो क्या मोटा हाथी है? हाथी नहीं, हाथी के कान। वो तुला राशि वाला है, संभाल के वरना घर भी चला जाएगा। हाँ, वो फिजॉरिटी के साथ सो लेगा? नहीं होगा, एक साल तक किसी के साथ नहीं सो सकता। ओमन कुट्टन के साथ सोने दो। सब ओमकार के सर पे ही डालो। शाम तक काम करके रात को गाना सुन के अच्छे से सोना ही मेरे लिए बड़ी खुशी है। वो मैं किसी को खराब नहीं करने दूंगा। चिराग तू मेरा साथ देना। अरे वो नहीं हो पाएगा, तुम लोगों को पता है ना, मेरा खुद का भाई गाँव से आया है, मैंने उसको सुलाया है, अपने हाथों से पैसा दे के होटल में कमरा दिलाया उसको। मेरे साथ कोई सोएगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। इसको कहीं तो सुलाना पड़ेगा ना। देखो जहाँ सुलाना है सुलाओ, लेकिन मेरे साथ में नहीं। क्यों, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हम लोग तो बस हालात के बारे में बात कर रहे थे। टाइम पे भाड़ा नहीं मिल रहा है मुझको, इससे ज्यादा क्या बुरी हालत होगी। क्या बुरे हालात हैं? सुनो, रात को तुम सो रहे हो, तुरंत ही गला सूख रहा है, छाती दुख रही है, देखो ऐसे हो ही नहीं सकता, देखो तुम मरने वाले हो। एक ग्लास